सत श्री अकाल जी फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। पहले तो आपको 15 अगस्त का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभमय रहा होगा। आपने अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग देशभक्ति के गाने या प्रोग्राम, टीवी, वीडियो, हमने कल लाल किले से प्रोग्राम देखा। इट्स रियली ग्रेट फ्रेंड। जो आज का टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन के ऊपर। वैक्सीनेशन क्या है माय फ्रेंड? क्योंकि ये बहुत सारे बार बार कुछ दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे कि छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन कब लगाते हैं, पहला वैक्सीनेशन कब लगता है, और अगर डॉग 1 साल से प्लस का हो तो वैक्सीनेशन कब लगता है। देखो, वैक्सीनेशन ही डॉग की एक जान कह लो, लाइफ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसानों में जैसे पोलियो की बीमारी होती है, पोलियो की बीमारी की इलाज नहीं है कोई, अब हम सब जानते हैं, उसकी सिर्फ रोकथाम प्रकॉशन है। प्रकॉशन क्या है? 2 बूंदे। आप अक्सर प्रोग्राम देखा होगा गवर्नमेंट का कि 2 बूंदे आप छोटे बच्चे को पिलाइए और फिर उसको पोलियो नहीं होगा। ऐसे ही डॉग में भी होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि डॉग को वैक्सीनेशन उनको उनसे बचाता है डॉग को। हाँ, वो बात अलग है कि वैक्सीनेशन फेलियर हो जाए या सही तरीके से ना लगाया जाए, टेम्परेचर ना मेंटेन रखा जाए, तो वो बीमारियां फिर भी हो सकती है। लेकिन प्रोफेशनल डॉक्टर या प्रोफेशनल ब्रीडर हमेशा गाइडलाइन फॉलो करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और वैक्सीनेशन सही समय और सही तरीके से लगाते हैं। पहला वैक्सीनेशन लगता है डॉग को जो पप्पी टीपी का, छोटे बच्चे को 28 दिन के आसपास। वो उतना इंपॉर्टेंट या उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता डॉग की लाइफ में जितना कि जो 40 या 45 या मैक्सिमम 48, 40 से लेकर 48 दिन के बिटवीन जो पहला वैक्सीनेशन लगता है, जिसको हम DHPPI कहते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड इसको 7-in-1, 8-in-1, 9-in-1, 11-in-1, अलग अलग फॉर्मुलेशन, अलग अलग टाइप्स में वो आता, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। वो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होता है। फिर 20 दिन के बाद वो रिपीट करना होता है, राइट? तो ये पहले जो वैक्सीनेशन होते हैं, और 90 दिन के आसपास जाकर एंटी रैबिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वैक्सीनेशन छोटे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। एंटी रैबिस तो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो कल हम 15 अगस्त में हम फ्री थे तो वैक्सीनेशन किया अपने घर में। वैक्सीनेशन एक प्रैक्टिस होती है। आपका हाथ कितना सॉफ्ट है, आप मालूम भी ना पड़े किसी भी ब्रीड को, चाहे बड़ी हो छोटी हो, चिल्लाए ना, रोए ना, तो वैक्सीनेशन उसको सक्सेसफुल सही मानते हैं। हाँ, कभी कभी डॉग को बुखार होता है आफ्टर वैक्सीनेशन, वो जो अलग केस है कि कभी कभी बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती हो जाती है। लेकिन हाँ, जितना प्यार से, और बाद में डॉग को थोड़ा वॉक के लिए जरूर छोड़ें तो आपको मालूम भी ना पड़े कि डॉग को वैक्सीनेशन लग गया। अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं, वैक्सीनेशन कहाँ कहाँ लगाया जाता है, आइए आप फिर दूसरे डॉगी के साथ दिखाते हैं कहाँ लगाया जा सकता है। बहुत सारी कंपनी वैक्सीन बनाती है, लेकिन आई ऑलवेज इंडियन कंपनी, ये मेगावैक 6-7 इंडियन कंपनी है। इस तरह हमें आपको 2 वायरल निकलेगी इसमें से, साथ में सिरिंज। हमेशा डॉग के लिए फ्रेश सिरिंज, हर एक बड़ा छोटा, भगवान ना करे कभी भी डॉग को कोई दिक्कत हो तो हमेशा जो सिरिंज है वो आप न्यू ही यूज करो। बस गाइडलाइन, एक में आपको फ्लूइड मिलेगा और एक में थिक वॉल। तो यहाँ से पहले आप फ्लूइड लीजिए, ये फ्लूइड ले लिया, तो बाद में इसमें इंजेक्ट किया, तो बहुत ही जेंटली ये लीजिए, ये खाली उठाइए सिंह साहब। बहुत सारे लोग अलग अलग बॉडी पार्ट में इंजेक्ट करते हैं, यहाँ भी कोई गुड है, स्पेशल है, तो वहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ यहाँ भी बॉडी पार्ट में दिया जा सकता है स्किन को उठाकर। लेकिन आप कहाँ, आप कहाँ गुड हो वो ज़्यादा बेहतर। हाँ जी,